इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। समुद्री सतह से 3000 मीटर ऊपर स्थित लद्दाख अपनी घाटियों, नुकीली चट्टानों और चारों तरफ फैले खूबसूरत दृश्य की वजह से भारत के पर्यटक नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। लेकिन लद्दाख जाने वाले ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि लद्दाख भूविज्ञान के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाख की प्राकृतिक बनावट लाखों साल पुरानी है, जिससे हमें धरती की उत्पत्ति और इसके इतिहास के बारे में संकेत मिलते हैं। हमने वैज्ञानिक विनीता फर्त्याल से बातचीत की, जो पिछले कई वर्षों से लद्दाख की टोपोग्राफी यानी उसकी भौतिक स्थितियों पर शोध का काम कर रही हैं। डॉक्टर विनीता बताती हैं कि कैसे लद्दाख की बनावट एक अनोखे तरीके से हुई है। लद्दाख एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, एंड ये हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट इसलिए है कि जब हिमालयन ओरोजेनी हुई, अगर हम बात करें करोड़ों साल पहले, हमें पता है कि दो सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, साउथ में गुंडवाना लैंड था और नॉर्थ में लोरेशिया, तो बीच में एक ही सी थी, दैट इज द टेथिस सी। और फिर जैसे जैसे साल गुजरते रहे तो ड्रिफ्टिंग हुई और इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू करी। इसको एक रास्ते में एक बड़ी सी प्लेट मिली जिसे यूरेशिया कहते हैं, और इसमें ये कोलाइड हो गया। ओके, तो कोलिशन से क्या हुआ? कोलिशन मतलब एक साल की बात नहीं है, इसमें भी करोड़ों साल लगे हैं, तो 50-60 मिलियन ईयर्स पहले ये चीजें शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे टेथिस सी क्लोज होते रही और माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू होते रही। इससे जितने भी हमारे माउंटेन रेंजेस है, राइट फ्रॉम द आउटर हिमालयस, फिर शिवालिक्स जिन्हें कहते हैं, फिर लेसर हिमालयस, हायर हिमालयस एंड ट्रांस हिमालयस, तो ये सब बने ओवर द इयर्स। तो पूरे हिमालय में एक पूरी एक हिस्ट्री है, यू नो, ऑफ द एंटायर मूवमेंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द साउथ टू द पोजिशन वेयर इट इज टूडे। तो इसीलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसमें लद्दाख कहाँ पे आता है? लद्दाख आता है ट्रांस हिमालया में, और यहाँ बहुत ही अलग मरुस्थल जैसे डेजर्टिक काइंड ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल करता है आज। और जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, कोलाइड करी, तो कुछ पार्ट उसका सबडक्ट किया, कुछ पार्ट उसका ऊपर आया, तो ये सब जो बीच में जो टेथिस सी थी उसके भी सेडिमेंट्स नीचे गए, ऊपर आए, तो इससे बहुत सारे माउंटेन्स एंड रिजेस बने। तो लद्दाख की एक और खासियत है कि यहाँ हर तरह के रॉक टाइप्स आपको मिलेंगे, चाहे वो इग्नियस रॉक्स हो, चाहे वो वल्केनिक रॉक्स, इग्नियस में वल्केनिक रॉक्स हो, या प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक जो बहुत डीप इनसाइड द अर्थ बने रहते हैं, पर ओवर द टाइम दे वर लाइक जस्ट थ्रस्टेड अप, और आज के दिन पूरी लद्दाख रेंज में हमें वो दिखता है। तो उस तरह के भी रॉक्स है। फिर क्या है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स भी यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि जब माउंटेन रेंजेस बनी तो कहीं वैलीज भी बनी, तो उन वैलीज में कुछ लेक्स थे, कुछ रिवर्स थी, प्रोटो इंडस वहाँ की मेन रिवर है, इट इज द बैकबोन ऑफ लद्दाख, तो इन सब में जो डिपॉजिट्स हुए थे वो सब भी हमें वहां पे दिखते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स भी हमें दिखते हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स दिखते हैं, सैंडस्टोन, शेल्स, क्लेज, तो ये सारी चीजें, तो हम वी आर रिच एज फार एज the geology is concerned. And then because the compression was still going on and the rocks were like going inside deeper into the earth, 100 kilometers, 200 kilometers, वहाँ उनका जो original texture है वो बदल जाता था, और फिर metamorphism एक process है वो शुरू हो जाती थी। और इसमें बहुत fossils, उस समय के जो fossils हैं वो preserved हैं, जैसे वहाँ से हमें palm मिला है, Hemis formation से, और एक Hemis, एक जो monastery है उस region से, और Sokar region से,
पाम। अब यू कैन इमेजिन कि एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर्स आज के दिन एक पाम का फॉसिल हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और पाम ग्रो करता है सी लेवल पे, तो उस समय का वो बताता है कि यहाँ हाँ दीज आर द रेमिनेंट ऑफ द टेथिस सी। धीरे धीरे अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो पूरा लद्दाख रेंज है, और लद्दाख रेंज बना है पूरा प्लूटोनिक रॉक्स से, बैथोलाइट जिसे कहते हैं, ग्रेनाइट्स, ग्रेनोडायराइट, और ये सब बहुत नीचे अर्थ के बहुत नीचे से नीचे बने हुए ये रॉक्स हैं जो आज के दिन हमें एक्सपोज दिख रहे हैं, क्योंकि वेदरिंग हुआ, इरोशन हुआ, और ये सारे प्रोसेसेस हैव टेकन प्लेस, और टेक्टोनिक्स तो होती ही है। इन रेंजेस में ग्लेशिएशन हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ बहुत सारे हजारों ग्लेशियर्स हैं इस एरिया में, और ग्लेशियर्स जो हमें जो सबको पता है कि वो बिल्कुल एक बुलडोजिंग मशीन की तरह काम करते हैं, यू नो जो भी उनके रास्ते में आता है वो सब उसको निकाल लेते हैं। तो ये वेदरिंग, इरोजन, जो ये ग्लेशियर्स ने, जो पानी ने वहां पर करा है, उसकी वजह से यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल ही अलग हो गया है। अगर लद्दाख जाएं तो बिल्कुल बैरन माउंटेन्स दिखते हैं, कलरफुल माउंटेन्स दिखते हैं, तो इसकी वजह से इसकी बड़ी यूनिकनेस है। वर्षों तक चले कटाव और शैल पदार्थों के जमाव की वजह से लद्दाख की घाटियों की बर्फ से ढकी झीलों में तलछट जमा हो गया। इस तलछट से ही हजारों वर्षों से वातावरण में होते आ रहे बदलाव और मानव बसावट का पता चलता है। हम लोगों का ग्रुप जो काम करता है, हम लोग लेक सेडिमेंट्स में काम करते हैं। लेक सेडिमेंट्स में काम करने में इसलिए हमें आसानी होती है क्योंकि एक लेक सिस्टम जो बनता है वो एक क्लोज्ड सिस्टम होगा, और हर साल उसमें कुछ ना कुछ सेडिमेंट आता है, तो हर सेडिमेंट लेयर की एक एज होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पेलियो लेक्स, पेलियो मतलब एंशियंट लेक्स हैं, उन साइट्स को विजिट करते हैं और उससे हम लोग सेडिमेंट लेके आते हैं, पूरा ओल्डर वाला, फिर यंगर वाला, और उनको हम लोग अलग अलग प्रॉक्सीज, चाहे वो फिजिकल प्रॉक्सीज हो, केमिकल प्रॉक्सीज हो, बायोलॉजिकल प्रॉक्सीज हो, उनसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, एंड देन वी इंटरप्रेट द पेलियो क्लाइमेट एंड व्हाट वाज यू नो द वेरिएशन दैट वाज गोइंग ऑन इन द एनवायरनमेंट दैट टाइम, किस तरह ये लेक कब बना, कब ये ब्रीच हुआ, ब्रीच क्यों हुआ, तो ये सारी चीजें हम लोगों के वहाँ इन पे शोध किया जाता है। और इन लेक सेडिमेंट्स में जो स्पेशली जो पेलियो लेक सेडिमेंट्स हैं, कभी कभी हमें पेलियो अर्थक्वेक के साइंस भी मिलते हैं, यू नो जब जब लेक रहा होगा, अगर उस समय कोई हलचल हुई होगी अर्थक्वेक के कारण, साइज्मिक एक्टिविटी, तो जो क्या होता है, जो लेक बेड होती है उसी समय क्ले और सैंड सिल्ट उसमें डिपॉजिट हो रहा है धीरे धीरे, अभी उसमें पानी है वो इतना उसका यू नो वो कंपैक्शन अभी नहीं हुआ है, तो उस समय क्या होता है, हलचल हो जाती है, तो उस लेयर में एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट होने लगते हैं, क्ले सैंड के अंदर चला जाता है, तो इस तरह से बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स लेयर बन जाती है। तो ये जो हमें एक लेयर बहुत ही डिस्टर्ब लेयर दिखती है विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, उनको हम सॉफ्ट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स या साइज्माइट्स कहते हैं, जो हमें पेलियो अर्थक्वेक्स के बारे में बताते। जितना कॉम्प्लेक्स वो स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, उतनी इंटेंसिटी का वो अर्थक्वेक होगा और उसका एपिसेंटर उतना ही पास होगा। अब क्या होता है कि हर जगह तो हमें चीजें नहीं मिलती कि हम किस तरह से एक यू नो एक जेन्युइन स्टोरी बनाए, तो हम क्या करते हैं, हम लोग लेक सेडिमेंट्स में की स्टडी करके बहुत सारी चीजें इन चीजों पे लाइट डाल सकते हैं। जैसे कि जो लेक्स हैं पासेस में, तो उनकी हम लोगों ने स्टडी करी है, और स्टडी हम लोग बहुत ही यू नो हाई रेजोल्यूशन मल्टी प्रॉक्सी स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉक्सीज अलग अलग बिहेव करती हैं, फिजिकल प्रॉक्सीज जो जैसे किस तरह का मिट्टी है, क्या उसका टेक्सचर है, क्या उसके मैग्नेटिक पैरामीटर्स हैं, वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, और फिर लेक में क्या बायोटा है कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही थी, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे,
या कौन से माइक्रोफॉसल्स हमें मिलते हैं, तो वो हर लेयर में अलग अलग डिपॉजिट होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं अपना रिकॉर्ड कंस्ट्रक्ट करने में, और इससे हम बिल्कुल 50-50 ईयर्स का रिकॉर्ड दे सकते हैं कि पिछले 5,000 साल 6,000 साल, वो डिपेंड करता है कि हमें कितना रिकॉर्ड मिला है। और जो सेडिमेंट हम लोग लाते हैं, तो कहीं कहीं पे हमें चाकोल मिलता है। अब चाकोल कैसे आएगा सेडिमेंट में? ह्यूमन एक्टिविटी के कारण आएगा। ह्यूमन उस एरिया में है, और उसने उस समय तो ऐसे कोई सेटलमेंट्स नहीं होते थे, सिविलाइजेशन ऐसा नहीं, सोसाइटी जैसी नहीं थी, तो हंटर गैदरर्स लोग होते थे, पास्चुरल लोग होते थे, जो अपने एक ग्रुप में आके अपने शीप या को चराने आते थे, एक जगह रहते थे, वहीं चूल्हा वूल्हा करते थे। तो उसका जो चाकोल होता है कभी कभी उड़ के इस लेक्स में डिपॉजिट हो जाता है उसी लेयर में, तो उसको डेट करने से हम प्रिसाइसली कह सकते हैं ये ह्यूमन एक्टिविटी का एविडेंस है। तो इसी तरह से बहुत अलग अलग और भी प्रॉक्सीज हैं जो हमें पिन पॉइंट करके बताती हैं कि किस तरह ह्यूमन और क्लाइमेट इंटरेक्शन हुआ है। तो लद्दाख हैज लॉट्स ऑफ थिंग्स हिडन इन इट्स सेडिमेंट्स, इन इट्स रॉक आर्ट, इन इट्स केव, इन इट्स पेंटिंग्स, इन इट्स ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज। तो ये सब है रिकॉर्ड, जिससे एक बहुत अच्छी तरह से पिक्चर बन जाती है। और उसी के साथ जो लेक रिकॉर्ड्स में हम लोगों को क्लाइमेट मिलता है, उस समय उससे हम लोग लिंक कर पाते हैं कि कब ये ह्यूमन का आना जाना ज्यादा था, कब ये स्टॉप हो गया था क्लाइमेट की वजह से। तो ये चीजें हम लोग इन्हीं पे रिसर्च करते हैं। डॉक्टर फरतियाल ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ इशारा किया है, वो ये कि वातावरण के अध्ययन से हमें सभ्यताओं और राजवंशों के उत्थान पतन, उनके विस्थापन के इतिहास और पुरातत्व के बारे में जो जानकारियां छूट गई हैं, उनका भी पता लग जाता है। गया एक जगह है, अगर हम लेह मनाली रोड नेशनल हाईवे 1 में जाते हैं तो गया, सुमडो, रुमजे, ये कुछ जगह है जहाँ ओल्डेस्ट केव्स हैं और ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज भी हैं, जो मॉनेस्ट्री बाद को फिर हेमिस में ट्रांसफर हुई और जगह स्पीतुक में गई। तो पहले ये कहते हैं कि वहाँ के लोकल लोग से जो हम लोगों को पता चलता है जब हम लोग फील्ड पे रहते हैं वहाँ महीनों, तो वो बताते हैं कि गया में ही एक पूरा किंगडम था, जैसे गुगे था तिब्बत में, वैसे ही यहाँ पे गया किंगडम था। और बात को जब हम उसको क्लाइमेट और अपने स्टडी से लिंक करते हैं, तो हमें इस तरह का एविडेंस मिलता है कि जब गया किंगडम था, उस समय इंडस जो मेन रिवर चैनल थी उसमें बड़ा सा लेक था, और जैसे जैसे लेक रिसीड हुआ तो गया में चीजें, क्योंकि जब लेक रिसीड हुआ तो ग्लेशियर्स वर मेल्टिंग। गया की अगर ऊपर टोपोग्राफी देखोगे तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, लेक्स हैं, तो वहां पे बहुत लेक आउटबर्स, जो ग्लॉफ्स होते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स, फ्लड्स होती हैं, वो सब होने लगी होंगी। तो उन्होंने पूरा किंगडम उसको जो इंडस की मेन चैनल है वहां पे जाके सेटल हो गए होंगे लोग। तो इस तरह से माइग्रेशन हुआ है जो इन चीजों में बहुत ही एविडेंट है। तो ये केव्स की भी स्टडी अब हो रही है, और इसको हिस्टोरिकल डेटा से भी हम लोग लिंक करके एक जेन्युइन रीजनेबल और ठीक फैक्ट्स विद फैक्ट्स एक स्टोरी देने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई नो इट विल टेक टाइम, पर ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो अभी तक क्या होता था, तो जियोलॉजी वाले केवल जियोलॉजी पढ़ते थे, आर्कियोलॉजी वाले केवल आर्कियोलॉजी करते थे, एंड जियोलॉजी में भी सेडिमेंट वाले अलग है। नाउ इज द टाइम फॉर ब्लेंडिंग एवरीथिंग टुगेदर, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से ही ये सारी चीजें हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि लद्दाख हमें अपने गुजरे हुए जमाने से जोड़ने में मदद करता है, लेकिन नए शोध से दिलचस्प बात ये पता लगी है कि लद्दाख में संभवतः हमारे भविष्य से जुड़े सवालों के भी जवाब मिल सकते हैं। रीसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, लद्दाख को एज अ मार्स एनालॉग भी चूज किया गया है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, और एनालॉग स्टडीज के बारे में ये है कि एनालॉग साइट्स वो साइट्स होती हैं जो किसी न किसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या एक्सोप्लैनेट्स की साइट्स होती हैं उनसे सिमिलर होती हैं। जैसे लद्दाख में इट्स
एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से कोल्ड एयर डेजर्ट है जैसे मैंने बताया, फिर दूसरा यहाँ पे सलाइन लेक सिस्टम्स हैं, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं जैसे पूगा चुमाथांग वैली में हॉट स्प्रिंग्स हैं क्योंकि सूचे जोन्स हैं तो वहां से ये गर्म पानी अर्थ के नीचे से सेंटर से आता है और हॉट स्प्रिंग जियोथर्मल एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है। तो ये साइट्स बहुत रेयर हैं, मतलब एक जगह पे एक रीजन पे तो मैं हॉट स्प्रिंग्स भी मिल रहे हैं, हमें हाइपरसलाइन लेक्स भी मिल रहे हैं, हमें एंशियंट लेक्स भी मिल रहे हैं, हमें बहुत पुराने सेडिमेंट्स भी मिल रहे हैं, हमें ओफियोलाइट्स भी मिल रहे हैं। ओफियोलाइट्स जो बहुत नीचे से अर्थ की बहुत नीचे से रॉक्स ऊपर आए हैं तो वो हमें उस अर्थ के मैंटल का किस तरह से मैंटल बना है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना, वो सब हमें बताता है। तो ये सारी चीजें एक एक सेक्टर में है, लद्दाख सेक्टर में, तो इसलिए इसको मार्स एनालॉग की तरह हम स्टडी करेंगे क्योंकि एनालॉग स्टडीज में क्या होता है कि हर कोई तो मार्स में जाके फील्ड वर्क कर नहीं सकता, पर हम लद्दाख इज एक्सेसिबल, हम वहां जाके फील्ड वर्क कर सकते हैं और प्रोसेसेस के बारे में जान सकते हैं कि किस तरह ग्लेशियल प्रोसेस, कौन सी चीज ग्लेशियल प्रोसेस से बनती है, कौन सी चीज फ्लूवियल से बनती है, लेक सेडिमेंट्स से कैसे चीजें दिखती हैं या बनती हैं। और जब हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस आती हैं मार्स की तो हम लोग उनको देख के और यहाँ की जियोमोफोलॉजी को अगर हमें बहुत अच्छा आइडिया है तो हम बता सकते हैं कि मार्स के सर्फेस में क्या प्रोसेस चल रही होंगी इस समय, तभी हम शायद बता पाए मार्स में कि वहां पे करोड़ों साल पहले वहां भी वाटर बॉडीज होते थे, वहां भी कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग होती थी, वहां पानी है और अब वहां लाइफ है कि नहीं वो ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग पहले जो अपना जो अर्थ है वहां पे तो पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लेंगे तो इट वुड मेक अस इजी फॉर अ वैलिडेशन एंड अ कंपैरिजन। इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों से लद्दाख को गैरकानूनी निर्माण का सामना करना पड़ रहा है। खानों की आवश्यकता से ज्यादा खुदाई, जरूरत से ज्यादा सैलानियों की भीड़भाड़ और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इलाके की भू विरासत को बहुत नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जरूरत है।